अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज क्लास 5 लेसन नंबर 3 लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन। एज वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट द डेजर्ट्स एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द फॉरेस्ट रीजन्स। एज यू कैन सी इन दिस मैप देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट इज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड देन टेम्परेट फॉरेस्ट। In our previous lecture, we study about the equatorial forest. Today, our topic is the temperate forest. As you can see in this map, these areas are the temperate forest, and light green areas are the equatorial forest. Okay? Let's start our topic, temperate forest. Temperate forests are quite different from equatorial forests. जो temperate forest है वो equatorial forest से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि आपने पिछली lecture में सुना कि equatorial forest होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं। लेकिन आप जो ये बता रहे हैं वो कह रहे हैं जो temperate forest है वो equatorial forest से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। They are found in the North American countries of the USA. ये USA के North America के हिस्से में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पे होते हैं? And Canada और Canada में भी होते हैं। In a large part of Europe और Europe के एक बड़े हिस्से में ये जंगलात पाए जाते हैं। And in North and North East Asia और North और North East Asia में भी ये जंगलात पाए जाते हैं। ठीक है? अब ये जो temperate forest हैं ये USA में, कनाडा में, यूरोप में और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में ये जंगलात पाए जाते हैं। दीज एरियाज़ आर क्वाइट कोल्ड। ये एरिया ये हिस्से बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। एंड द फॉरेस्ट हेयर आर इधर कॉनिफिरस और एल्पाइन। और यहाँ के जो जंगलात है या तो वो कॉनिफिरस होते हैं या एल्पाइन होते हैं। कॉनिफिरस मखरूती शक्ल होती है या कोन की शक्ल जो होती है, एल्पाइन या एल्पाइन होते हैं बहुत ज़्यादा ऊँचे। इन कॉनिफिरस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिफर्स। कॉनिफिरस फॉरेस्ट में ज़्यादातर दरख्त जो है वो कॉनिफर्स के होते हैं, मतलब कोन की शक्ल के जो दरख्त होते हैं या जिनके ऊपर कोन बन पे फल लगता है, उस तरह के दरख्त इन जंगलात में पाए जाते हैं। दे आर यूजली वेरी टॉल एंड हैव नैरो नीडल लाइक लीव्स। ये अमूमन बहुत ज़्यादा ऊंचे या लंबे होते हैं और उनके जो पत्ते होते हैं वो तंग नीडल मतलब सुई की तरह के बारीक होते हैं। एंड बियर कोन शेप्ड फ्रूट्स और इनके ऊपर जो फल होते हैं वो कोन की शक्ल के होते हैं। द ट्रीज ग्रोन ऑन हिली स्लोप्स देयर लॉन्ग रूट्स कीप देम फ्रॉम फॉलिंग ओवर। पहाड़ी जो स्लोप्स होती हैं, पहाड़ों की जो स्लोप्स होती है वहाँ पर जो दरख्त उगते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और वो जो उनको गिरने से बचाती हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द सॉइल फ्राम बींग वाश्ड अवे। और वो मिट्टी को भी गिरने से या बह जाने से रोकती हैं, मतलब इनके जो दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं जो इनको गिरने से बचाती हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पर मिट्टी है उसको भी बह जाने से बचा लेती हैं। द शेप ऑफ द लीव्स कीप्स देम फ्राम लूजिंग मॉइस्चर। और जो पत्तों की शक्ल है वो उनमें से नमी को ख़त्म होने से बचाती है। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर। इन जंगलात में जो चंद या कुछ दरख्त पाए जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं। द फिर, फिर होता है स्नोबर का दरख्त, पाइन, पाइन का दरख्त, स्प्रूस, सफेदे का, साइप्रस ये भी स्नोबर के दरख्त की एक किस्म है, जूनिपर्स, यू ये सदाबहार दरख्त हैं, रेडवुड, सीदार एंड लार्च। सिदार होते हैं देवदार के दरख्त और लार्च ये भी देवदार के दरख्त की ही एक किस्म होती है। यानी कि अब वो ये कह रहे हैं इन जंगलात में जो पौधे दरख्त पाए जाते हैं वो ये सब हैं, ठीक है, जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं। ऑन द हायर स्लोप्स देर आर एल्पाइन फॉरेस्ट। जो बहुत ज़्यादा ऊँची स्लोप्स हैं, स्लोप होता है ढलवाने, जो बहुत ज़्यादा ऊँची ढलवाने हैं देर आर एल्पाइन फॉरेस्ट, वहाँ पर एल्पाइन के जंगलात पाए जाते हैं। द ट्रीज इन एल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। जो एल्पाइन के फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, वहाँ पे जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। और ये इस वजह से होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है या ठंडी आबोहवा होती है वहाँ की, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले दरख्त बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं होते।
एंड द वेजिटेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी रिच, और वहाँ पे जो बहुत दरख्त या पौधे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते. अनलाइक द ट्रीज इन द इक्विटोरियल फॉरेस्ट, द ट्रीज हेयर डू नॉट ग्रो सो क्लोज टूगेदर. जिस तरह इक्विटोरियल फॉरेस्ट में दरख्त एक दूसरे के नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. वो यहाँ के जो दरख्त हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होते. इट इज़ ईजियर टू कट डाउन और फेल दीज ट्रीज, इनको काटना और इनको नीचे गिराना आसान होता है. यहाँ के दरख्तों को, टेम्परेट फॉरेस्ट के जो दरख्त होते हैं, इनको काटना और इनको गिराना आसान होता है. यहाँ पे जो दरख्त हैं वो इक्विटोरियल फॉरेस्ट की तरह एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते, मतलब कि दूर दूर होते हैं. ड्यूरिंग विंटर इट गेट्स सो कोल्ड इन दीज एरियाज, सर्दियों के मौसम में यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है दैट देर इज थिक स्नो ऑन द ग्राउंड, के ज़मीन पे बहुत ज़्यादा बर्फ जम जाती है या बर्फ होती है. एंड सम ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स फ्रीज ओवर, और कुछ दरिया और नदियाँ, झीलें, लेक्स होते हैं झील, और कुछ दरिया और झीलें फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं. द स्नो एंड आइस मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, जो बर्फबारी है वो कम्युनिकेशन मतलब आमदोरफ्त को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं. पीपल हैव टू यूज़ स्कीज और लार्ज स्नो शूज़ टू मूव अबाउट, और लोगों को स्कीज और बर्फ़ के जूते जो होते हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो बड़े बड़े जूते बर्फ़ पे चलने के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है. ट्रैक्टर्स एंड हैवी स्नो प्लॉज आर यूज टू हेल्प ट्रांसपोर्ट मशीनरी एंड गुड्स, ट्रैक्टर और जो बर्फ जो हैवी स्नो वाले जो प्लॉज हैं, अब ट्रैक्टर्स और हैवी स्नो प्लॉज को इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मशीनरी और गुड्स के लिए. मशीनरी मतलब कोई भी मशीनरी और गुड्स जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और जो भारी बर्फ़ पे चलने वाली चीज़ें होती हैं, मशीनरियाँ होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, द फॉरेस्ट इन द विंटर, ठीक है, एन एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है. देर आर मैनी एनिमल्स सच एज लिंक्स, वहाँ पे बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि लिंक्स मतलब जंगली बिल्ला, बियर, रीछ, वुल्फ्स, भेड़िए, मूज, हिरन एंड डियर, ये भी हिरन है, मूज एंड डियर, ये दोनों ये हिरन की ही किस्म होती है. ये सारे जानवर इन जंगलात में पाए जाते हैं, इन द टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड, और ठंड की वजह से, मोस्ट ऑफ देम हैव थिक कोट ऑफ फर, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनमें से ज़्यादातर जानवरों के ऊपर फर होती है. देर आर स्मॉलर एनिमल्स टू, वहाँ पे छोटे जानवर भी पाए जाते हैं. एंड अ वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, और बहुत ज़्यादा तादाद में हिजरत करने वाले परिंदे भी होते हैं. सम ऑफ द लार्जर एनिमल्स आर हंटेड और ट्रैप्ड फॉर देयर फर, कुछ बड़े जानवर उनका शिकार किया जाता है या उनको पकड़ लिया जाता है उनकी फर की वजह से. वहाँ पे जो कुछ बड़े जानवर होते हैं उनको उनकी फर की वजह से उनका शिकार किया जाता है या उनको पकड़ लिया जाता है. द बेस्ट फर्स आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस, और जो अच्छी फर होती है उनको बहुत बड़ी कीमत पे बेचा जाता है. एंड आर मेड इनटू कोट्स, हैट्स एंड अदर वार्म गारमेंट्स, और उनको इस्तेमाल किया जाता है कोट बनाने में, हैट्स बनाने में, और कुछ दूसरे गर्म कपड़े बनाने में इस फर को इस्तेमाल किया जाता है. However, ताहम fewer animals are now being hunted. अब वहाँ पे बहुत थोड़े जानवरों का शिकार किया जाता है. Because there are laws to protect wild life species. क्योंकि अब वहाँ पे कवानीन बन गए हैं कि जंगली जिंदगी की हिफाजत की जाए. Many people also feel very strongly. और कुछ लोग बहुत मजबूती से इस बात को महसूस करते हैं. That animals should not be killed for their fur or skin. वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये महसूस करते हैं कि जानवरों को उनकी फ़र या उनकी जिल की वजह से मारना नहीं चाहिए. ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, टेम्परेट फॉरेस्ट, और आज हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो गया. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. आज के लिए यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.